आइए बच्चों, हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 7.3, है ना। थ्री क्वेश्चन बन गए थे और फोर्थ क्वेश्चन हम लोग को करना था। फिफ्थ तो वाला हमने नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं है ना। फोर्थ वाला देखते हैं क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हिच वर्टिसेस टेकन इन आर्डर आर दिस 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 एंड दिस। बिल्कुल ईजी है, ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग कल देखे थे, है ना। फिर देख लेते हैं एक बार। पहले आप एक क्वाड्रिलेटरल बना लो, है ना। ये कोई भी क्वाड्री लेटरल बना लो, नाम दे दो ए बी सी। कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, -4 -2, बी का क्या है -3 -5। सी देखो, 3, -2, डी क्या है, डी है 2, 3। आपको इसका एरिया बताना है ना। तो आपको दो दो फार्मूला बताया गया था, आपका जिससे मन उससे कर लीजिए, लेकिन सेकेंड वाला जो बताया तो उससे करिएगा तो नंबर वन हम रहेगा, है ना। ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन करें किसको कर देते हैं, किसको भी करो वही आएगा आंसर, है ना। परेशान ना हो। मान लो फर्स्ट फिगर है, यहाँ पे क्या है सेकेंड, क्या है फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इस ट्राइंगल के एरिया कैलकुलेट करिए पहले, उसके बाद इसका कैलकुलेट करिए, फिर दोनों को क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, तो आपको एरिया मिल जाएगा, है ना। तो देख लेते हैं, इसको मान लीजिए आप x1 है, y1 है, इसको मान लो x2। ऐसे पता है, ऐसे आप कर लोगे तो थोड़ा सा नहीं बहुत आपको हेल्प मिल जाएगा ना, गलती करने का चांसेस कम हो जाते हैं। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 x1 / 2 -y3 +x2 / 3 -y1 +x3 / 1 -y2। ब्रैकेट बंद कर लीजिए, है ना। तो देखिए, पुट कर दीजिए यहाँ से 1/2 x1 की वैल्यू कितनी है -4, है ना। y2 की वैल्यू कितनी है -5 -2 -5, फिर माइनस 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 टू, क्या जाएगा माइनस माइनस मिला के प्लस प्लस x2 कितना हमारा -3, y3 कितना हमारा -2, माइनस माइनस प्लस क्या जाएगा +2, प्लस x3 हमारा कितना है 3, है ना। y1 कितना है हमारा -2, y2 कितना है माइनस माइनस प्लस। देखते हैं, कैलकुलेशन का पार्ट है, बस इतना तो आपको आना चाहिए। 1/2, देखिए -5 है +2, है ना। ऐड करिए कितना आएगा -3, फिर -3 का -4 में मल्टीप्लाई करोगे तो -5 मिला क्या जाएगा प्लस, और 3 4 12, है ना, प्लस में। फिर देखिए ये वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। तो ओवरऑल क्या आ जाएगी 0, बचा है हमारा प्लस +2, सॉरी -2 +3, 3 बचेगा, 3 3 9, कितना आ जा रहा है बताइए। 1/2 × 21, 21/2, ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन फॉर ट्रायंगल सेकंड, इसके लिए सेकंड ट्रायंगल के लिए, है ना। थोड़े टाइम के लिए इसको इरेज कर दीजिए, सिर्फ इसको इरेज करिए, है ना। और इसको x1 x2 रहने दीजिए। अब इसको मान लीजिए x2 / 2, और इसको मान लीजिए x3 / 3, है ना। सिर्फ ये समझने के लिए आपके लिए, है ना। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसे करो, अगर आप समझदार बच्चे हो तो कर सकते हो ना। और मेरा तो काम है समझाना आपको, कितना इजीली में समझा सकें। क्या जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं ना, 1/2 x1 -4 ब्रैकेट में y2 -y2 -y3, क्या जाएगा 3 + 2। क्यों, क्योंकि माइनस यहाँ पे भी है, माइनस फार्मूला में होता है, माइनस माइनस मिलकर क्या आ जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा x2, क्या है 2, ब्रैकेट में -2 माइनस प्लस हो जाएगा -2 +2, क्या आ जाएगा फाइनली 0 प्लस प्लस, क्या होगा x3, x3 हमारा क्या है 3, ब्रैकेट में
वाई वन माइनस वाई टू, दिस माइनस टू माइनस थ्री है ना। देखिए वन बाई टू ब्रैकेट में फाइव फोर जा ट्वेंटी, अरे थ्री टू फाइव, फाइव टू हाँ, फिर वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो, इससे तो कोई मतलब है नहीं हमारा। जीरो प्लस फाइव थ्री जा फिफ्टी है ना। कुछ 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 गलतियाँ हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए, होता है तो फिर आप देखिएगा, इसके जिम्मेदार आप हो गए है ना। टू थ्री एक्स थ्री सही है, देखते हैं क्या होता है। वन बाई टू माइनस फाइव कितना आएगा, माइनस कहीं पर हो गई मिस्टेक, एक्स वन तो सही है ना, फिर वाई टू माइनस वाई थ्री ये भी सही है, प्लस वाई टू सही है, माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा ये भी सही है, प्लस एक्स थ्री ये भी सही है, माइनस टू वाई वन माइनस टू माइनस थ्री ये भी सही है, थ्री टू फाइव, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, ये किस में आएगा माइनस में आएगा, किस में आएगा माइनस में, देखिए माइनस 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 होगा, फिफ्टीन ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा माइनस थर्टी फाइव, माइनस थर्टी फाइव फाइनली कितना आएगा। एरिया कभी माइनस में होती नहीं, तब इसको किस में कन्वर्ट कर लोगे प्लस में, थर्टी फाइव बाई कितना आ जाएगा टू, ये हमारा सेकेंड एरिया है ना। नाउ एरिया आप ए बी सी डी क्या जाएगा, फर्स्ट एरिया प्लस सेकेंड एरिया, फर्स्ट का कितना है ट्वेंटी वन बाई टू प्लस थर्टी फाइव बाई टू ऐड कर लीजिए, सिक्स हो जाएगा, थ्री टू फाइव डिवाइडेड बाई टू कितना जाएगा टू स्क्वायर है ना, यही हमारा क्या जाएगा आंसर है ना। कैलकुलेशन में ध्यान दीजिएगा है ना, कहीं मिस्टेक ना हो जाए वरना मेरी जैसी हालत हो जाएगी। फिर मैं क्लियर नहीं आ रहा है क्यों, हल्का सा क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए है ना। ऑप्शनल्स कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसमें से है ना, आप अपने से करना खुद से, और पिछले ईयर्स के जो आए हैं क्वेश्चन आप उसको करना, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप में हम सेंड कर दिए हैं है ना, आप लोग उसको लगाते रहिए, जो नहीं आएगा कमेंट करके पूछ लीजिए, और ऐसे भी हम करवाते रहेंगे बीच बीच में, तो दो दिन कर लेते हैं उसी को, दो तीन दिन क्लास 15-20 क्वेश्चन कर लेते हैं है ना, उसके बाद देखते हैं। ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है, ऐसा आना तो नहीं चाहिए है ना। एक्सरसाइज 7.4 देखिए क्या है, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x+7 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी है ना। इसमें मान लीजिए कि कोई दो पॉइंट है ना ए बी, इसको क्या कर दीजिए साइन कर दीजिए, ए का क्वाड्रेंट कितना है 2, -2, 2, -2, बी का क्या है आपका 3, 7, एक कोई लाइन है ना, उसका इक्वेशन क्या गिवन है आपको 2x+y-4=0 ए गिवन है, तो ये जब लाइन है तो ए बी को कहीं ना कहीं कट करेगी है ना, कहीं ना कहीं क्या करेगी कट करेगी, किसको ए बी को, किस रेशियो में कट करें हमें नहीं मालूम, तो आप मान सकते हो m1:2, कितने लोग k:1 भी मान सकते हो, ए भी सही होगा है ना, ए भी सही होगा, ऐसी बात नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगा, बट हम ऐसे बता रहे हैं आप लोगों को ए भी सही है ना, दोनों सही है m1:m2,
तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट होगा कुछ, मान लेते हैं एक्स कामा, क्या है एक्स कामा वाई, है ना। क्या करना है आपको, बाय यूजिंग फ्रॉम फिगर लेट कर लीजिए, लेट लाइन 2x प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 2 डिवाइड ए बी इन एम वन इज टू एम टू रेशियो, देन बाई सेक्शन फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू है ना, आप इसको लीजिएगा तो इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसको लेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। एक्स इक्वल टू एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, वाई इक्वल टू क्या जाएगा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस टू, हो गया। ओहो एक्स वन एक्स टू की वैल्यू पुट करिए, एक्स इक्वल टू एक्स वन की वैल्यू कितनी, एक्स टू की वैल्यू कितनी, आप देखिए थ्री थ्री एम वन प्लस एक्स टू की वैल्यू कितनी है टू एम टू एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस वाई क्या जाएगा, है ना, बाई टू कितना है सेवन, सेवन एम वन माइनस, देखिए माइनस साइन है, माइनस टू एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस। अच्छा ये जो पॉइंट आपको निकाले हम लोग, है ना, एक्स कामा वाई, ये जो एक्स कामा वाई है यही होगा, और यहीं से एक लाइन भी जा रही है, जा रही है, जा रही, तो ये जो पॉइंट होगा इस लाइन को सेटिस्फाइड करेगा, है ना। बस यही आपको लिखना है, सिंस दिस पॉइंट लाइज ऑन लाइन सो इट विल सेटिस्फाई द लाइन, लाइन को क्या करेगी सेटिस्फाई करेगी, पुट कर दीजिए, सो एक्स जगह ये पुट करना है, वाई जगह पुट करना है उसी इक्वेशन में, टू क्या जाएगा थ्री एम वन प्लस टू एम टू ना डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू प्लस वाई की संख्या कितना है सेवन एम वन माइनस टू एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू माइनस फोर स्क्वायर टू जीरो, है ना। देखिए एम वन प्लस एम टू, एम वन प्लस एम टू एलसीएम सेम है, ऊपर की वैल्यू ऐड हो जाएगी, टू का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस टू का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दीजिए, इसमें भी कर दीजिए, क्या आ जाएगा टू थ्री जा सिक्स एम वन प्लस टू टू जा फोर एम टू प्लस इसको ले लेना ना सेवन एम वन माइनस टू एम टू सबके डिवाइडेड कितना आ जाएगा एम वन प्लस एम टू माइनस फोर इसको टू जीरो भी रहना दीजिए, है ना। तो सेवन यहाँ पे सिक्स यहाँ पे कितना ऐड हो जाएगा थर्टीन एम वन माइनस टू एम टू, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसका यहाँ पे करिए फिर उधर चला जाएगा जीरो हो जाएगा फाइनली, है ना, फोर एम वन माइनस फोर एम टू इसको टू जीरो, है ना। क्या आएगा देखिए नाइन बचेगा नाइन एम वन माइनस सिक्स एम टू इसको टू जीरो, नाइन एम वन इसको टू सिक्स एम टू, है ना, एम वन डिवाइडेड बाई एम टू इसको टू सिक्स डिवाइडेड बाई नाइन, इसे तो कहते हैं एम वन इज टू एम टू स्क्वायर टू, थ्री कट रहेगा थ्री थ्री जा सॉरी थ्री टू जा इस रेशो में कटेगा टू इज टू थ्री, ये तो हमसे पूछा था हमारे क्या जाएगा आंसर, ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ऐड कर लीजिए सॉरी नोट कर लीजिए सबको अच्छे से, ना लाइन कट रही है ना, क्या ये क्या है टू एक्स प्लस वाई माइनस फोर स्क्वायर टू सी, समझ में आ गया, और कुछ कट रहा है नहीं, आप तो सही है बिल्कुल बढ़िया है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बिल्कुल हम हिंट दे रहे हैं आप कर लेना, क्या करें फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई
इफ द पॉइंट एक्स वाई 1270 आर कोलिनियर, कुछ नहीं, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या कर देना आप, जीरो कर देना, आ जाएगा रिलेशन। फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्किल, थर्ड वाला, फाइंड द सेंटर ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू दी, इसमें आपको दो तीन इक्वेशन बनेंगे, है ना, दो अननोन दो इक्वेशन, एक्स वाई अननोन है तो उतने ही, दो जितने अननोन होते हैं उतने इक्वेशन बनेंगे, आपको उसको सॉल्व करना होगा। इसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करना होगा, कौन सा फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। देखिए अगर ये सर्किल हो, बस हिंट हम देंगे आपको, है ना, सॉल्व नहीं करेंगे, सॉरी, आपकी सर्किल हो गई, है ना, और ये सेंटर हो गया, इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई मान लीजिए, आपको तीन पॉइंट गिवन है, हमें नहीं मालूम कहाँ कहाँ गिवन है, कहीं भी हो सकता हो तो, है ना, यहाँ पे ये मान लीजिए बी है और सी है, तीनों पॉइंट कोऑर्डिनेट, ये जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस ए भी होगी, वही डिस्टेंस आपकी ए भी होगी, है ना, तो तीनों डिस्टेंस को आप क्या कर लीजिए, इक्वल कर लीजिए, एक बार ओ ए स्क्वायर टू ओ बी कर दीजिए, है ना, एंड ओ बी स्क्वायर टू ओ सी कर दीजिए, दो इक्वेशन एक्स वाई के टर्म में आ जाएगा, दोनों को सॉल्व करना होगा और आ जाएगी वैल्यू। ठीक, क्वेश्चन नंबर फोर भी है, लेंथी है काफी, है ना, इसमें क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है, स्क्वायर बनाना है आपको, एक पहले स्क्वायर की सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ए बी सी डी, है ना, अपोजिट वर्सेस दी हैं आपको, माइनस वन कमा टू, इसका भी क्या गिवन है, थ्री कमा टू, है ना, आपको इसका क्या मान लीजिए, इसका क्या है, एक्स कमा वाई है, इसका मान लीजिए एक्स वन कमा वाई वन, कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल आसान है, दिस डिस्टेंस इक्वल टू दिस डिस्टेंस बराबर कर दीजिए, है ना, तो यहाँ से आपको एक्स वाई में एक रिलेशन निकल के आ जाएगा। उसके बाद डायगोनल है, डायगोनल करके फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होगा आपको, कर लेना, बिल्कुल आसान है, और कल हम लोग देखेंगे कुछ, कल नहीं नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, है ना, तो आज क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, थैंक यू फॉर वाचिंग, है ना, अपने दोस्तों को बताइए चैनल के बारे में, शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए वीडियो के बारे में, कैसे पढ़ाया जा रहा है, कैसे नहीं, समझ में आपको चीज़ें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, बिना आपके कमेंट से हमें कैसे मालूम चलेगा, आप कमेंट करोगे तब तो पता चलेगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं तो और बेहतर करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक, थैंक यू।